मुझे लगता है डॉक्टर आपकी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त होता है। वो आपको जिंदगी के उस दौरान, उन क्षणों में, उन मोमेंट्स पे आपकी हेल्प करता है जो सबसे मुश्किल होते हैं, जहां अपनी जान तक तकलीफ में आ जाती है, उस दौरान डॉक्टर हेल्प करता है। डॉक्टर का मतलब है जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रख सके और उसको बेहतर से बेहतर करने में आपकी मदद कर सके, ही इज अ डॉक्टर। पेशेंट फर्स्ट मोटो के साथ अपनी जिंदगी, अपने जीवन को उन लोगों को समर्पित करता है। डॉक्टर का मतलब मेरे लिए होता है रेस्पॉन्सिबल पर्सन, जिम्मेदार वो व्यक्ति जो अच्छी न्यूज भी क्रैक करे और बुरी न्यूज भी बताए। अच्छी न्यूज, लड़का हुआ है, लड़की हुई है, परिवार में खुशियां आई हैं, बीमारी की न्यूज भी हमें ही देनी है। तो इस जिम्मेदार तरीके से हमें उस सब चीजों को बताना पड़ता है कि मरीज और उसके अटेंडेंट्स उस चीज को अच्छे से ले पाए। अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ इंडिविजुअल, इट इज अ कम्युनिटी एंड द प्रोफेशन इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। अ डॉक्टर हैज मेनी फेसेट्स, अ गुड फ्रेंड, अ हीलर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ वेरी गुड ह्यूमन। चार सौ सत्तर ग्राम के बच्चे का हमने ऑपरेशन किया था, जो वर्ल्ड में टाइनीस्ट वेइंग बेबी था, उसका जो ऑपरेशन किया, दैट वाज मोस्ट अमेजिंग। व्हेन वी डिलीवर्ड आवर फर्स्ट सरोगेट मदर, एट दैट मोमेंट व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द मेटर्निटी ओटी टू इन्फॉर्म द पेरेंट्स दैट इट्स अ बेबी, द मदर शी केम इनसाइड, शी डिड नॉट सी द फेस ऑफ हर बेबी, बट इंस्टेड शी स्टार्टेड क्राइंग, एंड आउट ऑफ दैट सीइंग हर दैट शी इज क्राइंग, इवन आई वाज इन टीयर्स, and those tears were actually the tears of happiness. कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट और उसके रिलेटिव्स जो है टेंशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। एक दिन एक 30 साल का लड़का हमारे पास आया जिसके गर्दन में गांठें हो रखी थी और उसको कैंसर का सस्पिशियस होके हमारे पास भेजा था। फिर हमने उसका बायोप्सी लिया और जब बायोप्सी का रिपोर्ट आया और उसमें कैंसर नहीं आया, उसमें आया ट्यूबरक्लोसिस। एट द टाइम वी वर ऑल हैप्पी, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है, हम उसको क्योर कर सकते हैं। और एज ए डॉक्टर हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि चलो पेशेंट को कुछ ऐसी बीमारी सामने आई है जिसका 6 महीने या 9 महीने ट्रीटमेंट लेके वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। इन अ डॉक्टर्स लाइफ देयर आर मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स एंड द मोस्ट मेमोरेबल इज The smile of a satisfied patient. मैं जब मेडिकल कॉलेज कोटा में कार्यरत था, वहाँ से कोई 30 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव के 3 मरीजों का मुझे ऑपरेशन करने का सौभाग्य मिला। जब वो ठीक हुए तो उन लोगों ने सबने, वहाँ पे एक प्रचलन होता है मंदिर में एक भोजन रखने का, तो मुझे बुलाया गया भोजन करने के लिए वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे वहाँ पे देख के इतना अच्छा लगा, इतना आश्चर्य हुआ कि वो सारे गाँव वाले वो मेरे इंतजार में खड़े थे वहाँ पे और वो मुझे कंधे पर उठा के ले गए वहाँ मंदिर के प्रांगण तक। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग सब लोग आके पैर छुए सबने आके कि इन डॉक्टर साहब की वजह से हमारे गांव के 3 मरीजों का जीवन दान मिला है। 1993 की बात है, तब काफ़ी यंग हुआ करते थे और इंटर्नशिप चल रही थी हमारी। एक पेशेंट आया जिसका किडनी फेल हो गया था और उसके साथ ऐसा था कि उसको हर 15-15 मिनट के बाद में इंजेक्शन लगाने थे। रात को 10 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई और मैंने उसको हर 15-15 मिनट के बाद में इंजेक्शन्स लगाए। कुछ जुनून था उस दिन कि नहीं करना है और उसको हर 15-15 मिनट के बाद मैंने इंजेक्शन्स लगाए। और बहुत खुशी हुई मुझे कि जब सवेरे 8 बजे वापस डॉक्टर साहब का, सीनियर डॉक्टर साहब का राउंड हुआ तो उन्होंने कहा कि नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। उस पेशेंट का तो जो भला हुआ सो हुआ, लेकिन जो मेरा भला हुआ कि आई कुड रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ फोकस, हार्डवर्क एंड राइट डायरेक्शन। एक मरीज मुझे शाम को दिखाने आया, उसने कहा कि उसको डर है कि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, इसलिए उसने आज दिन भर अलग अलग जगह 3 ECG करवाई। तीनों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तीनों ECGs मैंने देखे, वो नॉर्मल थे। मैंने उसको एग्जामिन किया, मैंने उसके दूसरे पैरामीटर्स देखे, कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, वो सब नॉर्मल थे। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हें हार्ट अटैक नहीं है और इतना घबराओ मत, हार्ट अटैक नहीं आएगा। अगले दिन सुबह 6 बजे मुझे कॉल आती है मेरे हॉस्पिटल से कि सर एक पेशेंट आया है जिसको हार्ट अटैक आया है,
और उसने शाम को आपको दिखाया, ये वही पेशेंट था जो मुझे शाम को दिखा के गया था। मैं उसको तुरंत कैथ लैब में हमारे ऑपरेशन थिएटर में लिया, उसका एंजियोग्राम किया, उसकी मेन आर्टरी बंद थी, 5 मिनट के अंदर उसको खोला, एक डिफिकल्ट एंजियोप्लास्टी करी, वेंटिलेटर पर रखा, पेशेंट पूरा बेहोश था। 2 या 3 दिन बाद उसको होश आया और वो ठीक हो गया बिल्कुल, और ठीक होके अपने पैरों पर चल के जब घर गया और वापस मुझसे उसी क्लिनिक पे मिलने आया और उसने मुझे थैंक यू बोला, बोला सर गलती आपकी नहीं है, भगवान ने ही मुझे आपसे मिलवाया था कि शाम को, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे अटैक आना था, मैं आपसे मिला और मैं आप ही के हॉस्पिटल में गया और आप दौड़ के आए इसलिए मैं बच गया। लेकिन मैं मेरे मन में जानता हूँ कि मुझे कितना बुरा लग रहा था, क्या मैंने कुछ मिस किया, क्या उसको हार्ट अटैक हो रहा था उस समय, शाम को भी ऐसा कोई लक्षण था जो मैंने मिस किया। ये प्रोफेशनल क्वेश्चन मैंने अपने आप को कई बार पूछा, कई बार उसके रिकॉर्ड चेक किए, कई बार उसका ECG देखा, लेकिन वो सब नॉर्मल ही थे। ये घटना एक चीज़ बताती है हमारे पेशे के बारे में, हम भगवान नहीं हैं। अगर मैं भगवान होता तो मुझे पता होता, या भगवान के नज़दीक भी होता तो मुझे पता होता कि इसको अटैक आने वाला है। हम प्रोफेशनल्स हैं, एक साइंस प्रैक्टिस करते हैं जिसकी लिमिटेशंस हैं। बहुत बारी हमारे प्रोफेशन में, जहाँ कि मैं लाइफस्टाइल काउंसलिंग भी करता हूँ, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं डिप्रेशन के, और ऐसा ही एक पेशेंट मेरे पास था जो 8 साल तक एल्प्राजोलाम यानी कि एंटी डिप्रेसेंट की गोलियां खा रहा था। सिर्फ 2 या 3 सेशंस में ही उसने 8 साल में लेती हुई जो गोलियां हैं वो छोड़ दी, और आज जब भी वो मिलता है तो इस ठहाके के साथ मिलता है कि मुझे भी लगता है कि बिना गोली के भी इलाज हो सकता है।